कवियों ने कहा, जरी जाए सखी अरिवे अखिया, जरी जाए सखी अरिवे अखिया, जिन सावर छोड़ी निहारई गोरो, जिन सावर छोड़े निहारई गोरो। और भगवान क्या कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, हम चाह नहार नहीं ऐसे, हम चाह नहार नहीं ऐसे, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि हम दूसरे को नहीं चाहेंगे। और गोपियां कहती है, हे लोक लोचना विराम, हम आपको छोड़कर दूसरे को देखेंगे नहीं। इस भावना में आकर के उन गोपांगनाओं के आंखों से प्रेम रस गिर पड़ा, आंसू बरस पड़े। क्यों? जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा करता, जिन नैनों में नीर बहा करता। कृष्णम निरिच्छिवनितोत्सव रूपशीलम, ये सखी ऐसे भगवान की माधुर्यमय रूप को देख करके, उनकी लावण्य को देख करके, उनके संरक्षण में रह करके हम सब लोग तो कृतार्थ हो गए। भागवत में वर्णन है, भगवान अज्ञानता के आवरण को चुराए हैं, उन्होंने किसी का वस्त्र नहीं चुराया है। आइए थोड़ा भागवत स्मरण करें, उसके बाद चलते हैं हम लोग भगवान की मंगलमयी रासलीला की तरफ। बोली भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है
भागवत महापुराण के अध्याय 29 में दशम स्कंद की हम लोग प्रविष्ट हैं। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे। आचार्य श्री ने कहा, भगवान भगवान अपि तारात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका बीचरन्तु मनश्चक्री योगमायाम् उपाश्रितः आज रात्रि में भगवान बंसी का वादन किया। किस रात्रि में? कहा उस रात्रि का नाम है तारात्रि। शब्दों पर ध्यान देना, थोड़ा सा आध्यात्मिक और क्लिष्ट विषय। रात्रि तो संसार में भैया तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। ये कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि। काल रात निश्चर कुलकेरी यही सीता पर प्रीत घरेरी। ये तो काल रात्रि हो गई। और मोहरात्रि मोह निशा सब सो निहारा, ये हो गई मोहरात्रि। और महारात्रि बाल समय रवि चलियो तब तीन लोक भयो। ये तीन रात्रि तो होती है और रात्रि की दशा दो है। अगर शादी ब्याह होता है तो आदमी रात को गाते नाचते रात बीत जाती, पता ही नहीं लगता कि रात कब बीत गई। और अगर शाम को ही अगर कोई मर जाए किसी के लाश के पास रात भर बैठना पड़े ना तो लगता है कि ये रात कितनी भयंकर हो गई। दोनों में हमें प्रतीत अलग अलग होगा, दोनों में प्रतीत अलग होगा। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। और भगवान जिस दिन बंसी का वादन कर रहे उस रात्रि का नाम है तारात्रि। ध्यान देना, आश्विन का महीना है क्वार का। आश्विन कहते हैं क्वार को। और क्वार महीने की जब पूर्णमासी होती है उस पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद ऋतु की पूर्णिमा है क्वार की पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को भगवान बंसी का वादन करते हैं। तारात्रि, तारात्रि का अर्थ है कि जिस रात में भक्त और भगवान का की भेंट हो, जिस रात में जीवात्मा परमात्मा के पास जाने के लिए विवश हो जाए उस रात्रि का नाम है तारात्रि। और एक बात सुनना, हरि के शरण में जाए साईत सुदिन नहेरे। भगवान की शरणागति के लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। कथा के लिए मुहूर्त, पूजा के लिए मुहूर्त, मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाने के लिए नहीं, इसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी भक्ति और श्रद्धा उमड़ जाए उस दिन भगवान के दरबार में चले जाओ। देवी जी का दर्शन सोमवार शुक्रवार नहीं, मेला देखने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य दर्शन का होना चाहिए। वो तो हमेशा बैठी है। इतनी दूर दौड़े जाओ, किराया भाड़ा खर्च करो, परेशान हो और गए मेला देखने तो फायदा क्या निकला। अरे दर्शन की अभिलाषा लेकर के उनके दरबार में जाओ, वो हमेशा विराजमान है। भगवान ने क्या किया परीक्षित जी? योग माया का आज ठाकुर जी ने आश्रय ले लिया। योग माया, इस संसार में एक है माया और एक है योग माया, दोनों में डिफरेंस अंतर। माया
आत्मा को परमात्मा से अलग कर देती है, वो है माया। और योग माया जो आत्मा को ले जाकर परमात्मा से जोड़, उसे कहा जाता है योग माया, उसे योग माया कहा जाता है। भगवान ने क्या किया, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी का वादन कर दिया परीक्षित जी। निशम्य गीतम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आजग्मुरन्योन्य अलच्छितोद्यमा सायत्र कांतो जवलूल कुंडला। भगवान जब बंसी का वादन करते हैं और उनके बंसी की ध्वनि ब्रजबामाओं के कणवंद्र में प्रविष्ट हुई, जब उनके कान में गई तो वे सब समय की नजाकत भाग गई। महाराज हमारे यहां एक कहावत है कि समझदार के लिए इशारा काफी है। कोई व्यक्ति अगर समझदार है तो जरा सा इशारा कर देने पर वो सब कुछ समझ जाता है, और जिसके समझ नहीं है चाहे आप बैठकर एक घंटा उनको पढ़ाओ समझ भी नहीं सकते। और समय की कीमत जाननी चाहिए व्यक्ति को, ध्यान देना सब पर। जिसने समय की कीमत जिंदगी में नहीं समझा वो बेचारा समझ ही क्या सकता है जिंदगी में, समय की क्या कीमत है। एक साल का समय व्यतीत हो जाए और एक साल का समय उस स्टूडेंट से पूछना, उस विद्यार्थी से पूछना जिसने ईमानदारी से किस परीक्षा की तैयारी की हो और फेल हो गया हो, एक साल भर का समय क्या होता है वो बताएगा उसका दर्द। एक महीने की कीमत का, एक महीने का समय का क्या कीमत होती है, ये उस मां से पूछ लेना जो किसी बच्चे को जन्म दे दिया हो, समय के एक महीना पहले ही बच्चा पैदा हो गया, उस मां से उस दर्द को पूछना। एक हफ्ते का समय उसकी क्या कीमत होती है, उन समाचार संपादकों से जरूर आप मिलिए जो आउटलुक, फ्रंट लाइन, इंडिया टुडे जैसी पत्रिकाएं लिखते हैं, 7 दिन के अंदर खबर भी सारी सही हो और 7 दिन के अंदर हो देश में पढ़ी ली जाए। मैंने देखा 7-7 दिन बेचारे सोते नहीं है, मैं मिला हूं ऐसे उन लोगों से, 7 दिन की कीमत तुम्हें वही बता देंगे। एक दिन की क्या कीमत है, एक दिन के समय की, उस मजदूर से पूछना जो दिन भर मजदूरी करता हो, शाम को जब लौट कर आता हो तब उसके घर भोजन बनता हो, उसके हाथ चूल्हा तब जलता हो और वो उस दिन मजदूरी पर न गया हो, उस घर पर क्या गुजरती है, एक दिन के समय उसे पूछ लेना। एक घंटे के टाइम की क्या कीमत है, ये किसी प्रेमी से पूछना जो किसी प्रेमिका के इंतजार में घंटों बैठा रहा हो, आई न हो। एक मिनट की क्या कीमत है, उनसे पूछना जिनकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते ट्रेन छूट गई हो। एक मिनट से भी आधे मिनट के समय की क्या कीमत है, उनसे पूछना जो बहुत बड़ी दुर्घटना होने से जरा जरा बचे हो, प्राण बच गया हो, और उससे भी आधे सेकंड का समय का क्या कीमत होता है, उनसे पूछना, उन भगवत भक्तों से पूछना जो कभी ध्यान धारणा करते करते एक झलक के लिए जिनको भगवान का कभी दर्शन हुआ हो, ये वो बता सकते। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। वह बेचारी ब्रजमामाएं अपने अपने घर में काम कर रही थी महाराज, ये भागवत में ऐसे लिखा है जिसे बोल रहा हूं। कोई बर्तन साफ कर रही थी, कोई पोछा लगा रही थी, कोई कपड़ा पहन रही थी, कोई आंखों में कजल लगा रही थी, कोई कुछ कर रही थी, लेकिन भगवान के बंसी वादन को श्रवण करके वो काम वही छोड़ करके भाग गई सब भगवान के पास।
आप लोग भी अपने अपने फ्लैट से कमरे से निकल कर आए होंगे, काम तमाम पड़ा होगा, सोचा भी होगा कर लेंगे, नहीं किए होंगे, क्योंकि जब तक काम नहीं छूटेगा तब तक यह कथा मिलेगी नहीं। राम का दर्शन करने के लिए धाम छूटता है और कृष्ण दर्शन करने के लिए काम छूटता है। महाराज गोपियां सभा करके गोविंद को घेर करके खड़ी हो गई। परीक्षित जी, जब उन वृंदावनाओं ने मेरे गोविंद को घेर लिया तो भगवान ने मुस्कुरा करके उनसे कहा, बड़े प्यार से सुना इस श्लोक को, भगवान कहते हैं कि स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूथा आगमन कारणम। भगवान कहते हैं ए महाभागो, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है आपको। ये बताओ ये आप लोग इतनी रात में यहां क्यों चली आई है? अरे ब्रिज में आग तो नहीं लग गई? रदन्नीशा घोर रूपा घोर सत्व निशीबिता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री विश्व मध्यमा। तुम क्यों चली आई हो इतनी रात में? तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ। कहा क्यों? तो भगवान कहते मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्चवा। तुम्हारे माता पिता भाई पुत्र पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे कि कहां गई। जाओ जाओ घर जाओ। भगवान ने कहा कि स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पति सेवा करें। तो गोपियों ने कहा महाराज पति सेवा में मन नहीं लगता है। तो भगवान कहते हैं सुश्रुतम सतीम, कोई सती सावित्री ढूंढ लो उसकी सेवा करो भैया, ना पति की सेवा करो तो सती सावित्री की सेवा करो। भगवान इस तरह से सवाल पूछे गोपियों को यह लगा कि जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया। विखंडा भग्न संकल्प, वो गोपियां समूह लटका करके खड़ी हो गई और उनके आंखों से आंसू की धार गिरी। आंखों में लगाया था काजल, तो वो धार ऐसे गिरी जैसे लगता है किसी बढ़ई ने किसी कारपेंटर ने धागा लगा करके लकड़ी काटने की चेष्टा की है। गोपियों ने गोविंद से कहा ठाकुर एक सवाल पूछना चाहती हूं। भगवान ने कहा बोलो। गोपियों ने कहा महाराज एक नई नई शादी हुई, पति ने पत्नी से कहा कि तुम घर पर रहना माता पिता का ध्यान रखना मैं जा रहा हूं परदेश। पत्नी ने कहा कि अगर आप चले जाएंगे तो मैं पूजा किसकी करूंगी? तो पति ने कहा ये मेरी फोटो रखी है यही पूजा करना तुम। उसका पति नहीं माना चला गया परदेश। भगवान ने कहा फिर का एक साल तक उसका पति लौटा नहीं और वो पत्नी बेचारी फोटो की पूजा करती रही। एक साल के बाद जब पति लौटा तो वो दरवाजे पर आवाज दे रहा है तो महाराज अब आप ये बताइए कि पत्नी फोटो की पूजा कर ले तब दरवाजा खोले कि उसे पहले जाकर दरवाजा खोलना चाहिए तब पूजा करना चाहिए? भगवान ने कहा बड़ी पागल हो, जब सच्चा पति दरवाजे पर आवाज लगा रहा है तो फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है, पहले उसको दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा हम जीत गए गोविंद, इस संसार के तो सच्चे पति आप हैं और अगर उनको छोड़ करके हम यहां चली आई तो क्या मेरा पातिव्रत धर्मस्थ हो गया? मीरा जी ने चिल्ला करके कहा ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए पति बरु गोपाल को कि मेरो चुड़िलो अमर हो जाए। जय हो जय हो गुरु। ये तो संसार संसार के शास्त्र और संत सब कहते हैं स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए, मेरा भी समर्थन है।
ये स्त्री धर्म है, लेकिन इसके बाद पति धर्म भी होता है। मैं खासकर उनको भी बोल दे रहा हूं, पति धर्म यह है कि केवल विवाह हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। पति शब्द संस्कृत भाषा में परित्राण धातु से बना हुआ है, जो पत्नी की पूरी ढंग से रक्षा कर सके, उसकी मर्यादा रख सके, उसका सम्मान कर सके, वो अपने आप को पति कहलाने का हकदार भी है। ये पति धर्म है। गोपियों ने कहा, गोविंद इस संसार के सच्चा संबंध संसार से तो आपका है, क्यों? आत्मा और परमात्मा, गोस्वामी जी मनस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर मेरा समय नहीं ठीक है, मेरे ऊपर भगवान नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए किसी को दोष न लगाओ। ये आत्मा जो आपके अंदर है, ध्यान देना शब्दों पर, ये अजर अमर निर्लेप है। आत्मा में ना सुख है, ना दुख है, ना भय है, ना पीड़ा है, ना रोग है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का अंश है। आपको ये पता होना चाहिए, ये दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत डेवलप की है, बहुत विकास किया है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, लेकिन आज तक दुनिया के साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा पाए कि शरीर में वो कौन सा तत्व है जिसके निकल जाने के बाद व्यक्ति मर जाता है। आज तक पता नहीं लगा, रिसर्च इतना हुआ। वो अंश ईश्वर का है। हमारी जो रिश्तेदारियां हैं, ये मिट्टी के शरीर से और मिट्टी के शरीर का रिश्ता होता है, आत्मा का रिश्ता आत्मा से नहीं, आत्मा का रिश्ता तो सीधे परमात्मा से है। गोपियों ने कहा, हे गोविंद, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं
भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजस्मान् देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षु। स्वामी संत्यज्य सर्व विषयांश तव पादमूलम्। आप ऐसे तो नहीं मिल गए हैं हमको रास्ता चलते। अरे स्वामी, हमने जिंदगी में तपस्या की है और सारे विषयों को मैंने छोड़ दिया है, तब तो आपका दर्शन करके करने के लिए खड़ी हूं। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पादमूलम्। हे ठाकुर, हम संसार के सारे विषयों को छोड़ करके तब आपके पास आए हैं, मेरी रक्षा कीजिए। और जब तक विषय नहीं छूटेगा तब तक भगवान का दर्शन भी नहीं हो सकता है। विषय छूटना चाहिए और यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। और संत्यज्य सर्व विषयांश। हे स्वामी, हमने अपने हृदय से काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सब छोड़ा है, तब तो आप मिले। अब हम नहीं जानते हैं। कवियों ने तो बड़ी सुंदर लाइनें दी हैं। मैं कभी कोई पढ़ता हूं तो इस श्लोक की याद मुझे बार बार आती है। कवियों ने कहा, ठाकुर दीवाने बन गए तेरे तो फिर अब दुनिया से क्या मतलब, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे ठाकुर, संत्यज्य सर्व विषयांश तव पादमूलम्। जय हो। बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस आपको नहीं पाए, हमारे जीवन का कुछ सत्कर्म था ठाकुर कि आप आए, आप मिले। अब ये गोपियां गोविंद अर्थात जीवात्मा और परमात्मा, ये रास पंचाध्यायी, रास किसे कहा जाता है तो कहा रसा नाम समूहा यश सारासा। जहां पर संस्कृत साहित्य हिंदी साहित्य में नौ प्रकार के रस बताए गए हैं, जहां सारे रसों का आनंद हो उसे रास कहते हैं। इस रास को करने का उद्देश्य हे परीक्षित, भगवान का काम पर विजय प्राप्त करना है। यह संसार के स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, यह शुद्ध आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा। गोपियों ने कहा, गोविंद आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मा परमात्मा का जब मेल हो गया तो परीक्षित ये जीव नर्तन करने लगा। गोपियों के साथ गोविंद आत्मा के साथ परमात्मा नर्तन करता है, नाचता है। अब जब थोड़ी थोड़ा समय व्यतीत हुआ ना, गोपियों ने कहा, ए ठाकुर बलिहार है आपको, धन्यवाद है आपको। अब बताओ, और गोपियों को देहाभिमान आ गया, और जब घमंड आ जाता है जीव को ना, तो वहां भगवान नहीं खड़े होते हैं, भगवान रुकते होते नहीं है। भाई घमंड मत करना किसी चीज पर, न करना। मैंने कल भी कहा था कि तुम्हारा हमारा कुछ है नहीं, कुछ नहीं। गोपियों को यह भावना आ गई कि हम बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, भगवान हमको छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। जब जीव पर घमंड आया तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इन गोपियों ने भगवान का अन्वेषण किया परीक्षित, तुलसी के पौधे से पूछा, लताओं से पूछा,
पीपल के वृक्ष से पूछा, जब भगवान नहीं मिले तो यमुना के किनारे आकर के, यमुना पुलिन पर आकर के इन गोपियों ने एक बड़ी सुंदर गीत गाया है भागवत में महाराज। ये बड़ी सुंदर गीत है, इसको आप लोग गुनगुनाइए भी, और ना आता हो तो भगवत स्मरण करते रहना। ये गीत है, इस गीत का नाम ही गोपी गीत है, इस अध्याय का नाम ही गोपी गीत है। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद की 31वीं अध्याय है ये, एक कनक मंजरी छंद में गोपियां कहती हैं बड़ा सुंदर गीत गा रही है। जयति तेरिकम् जन्मनाभृगा श्रयति Yeah.
गोपियां कहती हैं, जयति ते धृतं जन्मना ब्रजा। ए ठाकुर, तुम्हारी जय जयकार हो। क्यों जय जयकार हो? कहा जन्मना ब्रजा, ब्रज में जन्म लेने के कारण हे ठाकुर आपकी जय जयकार हो। आप जब से ब्रज में जन्म लिए हैं, श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी और श्रयत माने वर्षा। ए ठाकुर, जब से आप ब्रज भूमि पर जन्म लेकर के आए हैं, यहां तो लक्ष्मी बरस रही है। आपकी जय जयकार हो। किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं ठाकुर? शब्द नहीं है। दैत्य दृश्यताम देचुतावता। ए ठाकुर, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं और मुझे दर्शन दो। मैं आपके, हे ठाकुर, आपके लोक लोचना अभिराम मुखमंडल को मैं देखना चाहती हूं। फिर कहती है, क्यों अंतर्ध्यान हो गए भगवान? आखिर आ करके क्यों चले गए? एक यहां विलक्षण बात देखना। गोपियां कहती है कि सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह क्यों बध। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, अरे हम लोग पैसा लेकर के तो आपकी सेवक नहीं है ना? आपसे तनख्वाह लेकर के तो आपकी सेवा नहीं करती है? आपसे कुछ लिया तो नहीं सेवा के बदले? सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका बरद निघ्न तू नेह क्यों बधा। हे ठाकुर, क्यों मार डालना चाहते हो? आपके वियोग को मैं सह नहीं पाऊंगी। इस संसार में एक संयोग है, एक वियोग है। वियोग तो वो व्यक्ति समझ सकता है जो कभी रहा हो, जिसने वियोग का सामना किया हो, वो वियोग की स्थिति क्या है वही बता सकता है। हे ठाकुर, आपके वियोग में तो मेरे प्राण से जाएंगे और चले भी जाए, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? और अगर इतना बड़ा दंड देना था तो विष जला प्या ब्याल राजसान, उन विषधर सांपों से क्यों बचा लिया? जमुना जी में काट लेते मर जाती उसी दिन, कम से कम आज ये दिन देखने की नौबत तो ना आती। और हे कन्हैया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यशोदा के लड़के हो? नखल गोपिका नंदनो भवान। श्रीमान जी, आप अकेले यशोदा के पुत्र नहीं है। फिर अखिल देहि नाम अंतर आत्मद्रिक। अखिल देहि नाम, अखिल माने संसार और देहि नाम माने संसार में जितने प्राणी हैं, इनके अंतर आत्मा को आप देखने वाले हैं। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक। जब आप सबके अंतरात्मा को देख रहे हैं तो क्या आपको यह नहीं दिखाई पड़ता है ये ब्रजबा माई कितनी कष्ट में है?
मैं मर जाऊं ठाकुर। तो एक सखी ने मनोविनोद किया, कहा क्या कहा है? नखल गोपिका नंदनो, कहा हाँ। उसने मजाक किया, कहा इनका क्या नाम है? इनका नाम, कहा इनका नाम है नंदन, देवकी नंदन, ये नंदन कहे जाते हैं नंदन। उस सखी ने कहा वो बड़े छलिया है। कहा क्यों? कहा उनका नाम नंदन है ना? कहा हाँ। कहा जिनका नाम लेने में तीन बार ना ना निकले वो बेचारा दे ही क्या सकता है। नखल गोपिका नंदनो भवान, एक गोपी ने कहा ये तुम्हारी भावना है, उसने तो संसार में सब कुछ दिया है और जो कुछ है वो उनकी कृपा कटाक्ष से है। कभी उन्हें उत्प्रेक्षाएं दी है प्रभु आपकी कृपा से, ये संसार में सब चल रहा है। आइए थोड़ा आप भी आनंद लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा व्याख्यान और दे करके वक्तव्य को विराम देने का भी समय हो चुका है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिनका मेरे कन्हैया की कृपा से काम हो रहा है उनके हाथ सीधे हो गए
परमात्मा की आवाज से गंभीरता से रो करके गा करके भगवान को मनाया। ब्रज बामाए कहती है ठाकुर तो कथामृतम तप्त जीवनम कविवीडितम कल्मषापहम। ए ठाकुर जी तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी पवित्र कथा अमृत है और उसी के सहारे हम लोग जी रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम। हे ठाकुर आपकी ये पतित पावनी कथा कल कलुष्ट निकंदनी है प्रभु। हे कलिपावना अवतार हे नारायण, ये कल कलुष्ट निकंदनी कथा आपकी, इसी के भरोसे हम लोग जिंदा हैं। तव कथामृतम ताप जीवनम, जिसका जीवन दैहिक दैवी भौतिक ताप में जल रहा है। कवि विरीडितम कल्मषापहम, कली कलुष निकंदनी। ए ठाकुर आपकी कथा कली कलुष निकंदनी है। हे स्वामी हे मेरे आराध्य, अब एक बार आ जाओ कर सरोरुहम कांत का पदम सिरस दे ही ना सिरी कर ग्रह। ए ठाकुर एक बार आकर के ये अपने बरद हस्त ये अपने हस्त रूपी कमल मेरे सर पर रख दो, मेरा कल्याण हो जाए ठाकुर, हम लोग जी जाएं। जब गोपियां प्रणत भाव में आ गई दासत्व भाव में आ गई परीक्षित जी, एक घटना घटी। इति गोप्या प्रगायन्ते प्रलपयन्त्यश्च चित्रधा रुगुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। वह ब्रजबामाएं रोने लगी और रोने लगी बड़े सुंदर स्वरों में। कहा महाराज क्या रोने का भी स्वर होता है? कहा भाई जब गाने का स्वर है तो क्या रोने का स्वर नहीं है? जय हो। सुस्वरम सुंदर रोना, रोना तो रोना है लेकिन जो भगवान के लिए रोए वो रोना ही सुंदर रोना है। सुस्वरम रुदु सुस्वरम राजन। कहा क्यों रो रही है? तो बोले कि कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और भगवान कृष्ण का अमोघ दर्शन, भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूचूरी अस्मै मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। काम का मंथन करने वाले नारायण प्रकट हो गए परीक्षित। और गोपियों ने जाकर के गोविंद को घेर लिया, उन सारी आत्माओं ने परमात्मा को पकड़ लिया। हे ठाकुर अब चाहे जो होगा अब आपसे अलग हम हो नहीं पाएंगे। एक बात बोल रहा हूं, संसार में कितना आनंद है आप लोग ले ही रहे हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और कितना क्षणिक है, कितना अल्प है, ये ध्यान देना। उन ब्रजबामाओं ने अपने आप को परमात्मा के हवाले सौंप करके और भगवत दर्शन प्राप्त करके आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। यही पर भगवान ने महारास किया है गोपियों के साथ। आज
हम लोग चाहेंगे जीवात्मा परमात्मा से ऐसे मिली रहे, और यही भागवत सुनने का उद्देश्य है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित जी को समझाते हुए आत्मबोध की कथा करा रहे हैं, बता रहे हैं। ए ठाकुर, जब जीव का रिश्ता भगवान से बन जाता है, जब जीव का रिश्ता भगवान से बन जाता है, तो फिर जीव सदमार्ग सद प्रवृत्ति के तरफ चल पड़ता है, ये हम आशा करते हैं। और इसी के साथ ये शब्द पुष्पांजलि श्री राधा माधव के चरणों पर अब सादर समर्पित करते हैं। कल इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का षष्ठम दिवस है, कल भगवान का मंगल में विवाहोत्सव हो। आचार्यगण आपको निर्देशित करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि कल उपस्थिति आपकी बहुत जरूरी है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, और थोड़ा समय देख करके 3:30 बिल्कुल ब्रेक होने का टाइम है, 12:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है, 12 बजे यहां पर भजन प्रारंभ हो जाता है। कल आप लोग ठीक 12 बजे आने का प्रयास करें और आ करके इस रस माधुरी कथा का आनंद लें, उसके बाद भगवान के मंगल में विवाह में सम्मिलित हो। अब मैं आदरणीय व्यास जी से कहूंगा एक अच्छी सी भजन हमारे श्रोताओं को श्रवण कराएं, उसके बाद फिर भगवान नाम संकीर्तन होगा, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर आप यथास्थान प्रस्थान करेंगे। और ऐसे खड़े हो कि भगवान की आरती का दर्शन आपको होता रहे, थोड़ा आगे आकर खड़े हो, जो पीछे पड़े ज्यादा। आइए आरती क्यों। हरे ओम मा चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो आयत श्रोता वायुश्च प्राणस्य मुखाद गिरजायत श्रियाकांताय देवाय कल्याणनिधेर्तिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ते तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीलिंगम करिशैल वज्जन गिरो शेषाद्रि सिंहाचलम श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवति प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम् सालग्राम निवासिनो विजयते रामानुजोऽयं मुनि श्री भूमिर्विमलादयो नय सुधा पद्माधृता शक्तयो वेदा वेदवती धरापित महालक्ष्मी सुकेशा देवी भार्गव भामिनी जरकजा सारेवती रुक्मिणी वेदाद्या प्रभयान्विता दशरमा कुर्वन्तु ते मंगलम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, आतियों को